वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। इसी तरह ये भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, जैसा कि हम लास्ट प्रॉब्लम में भी देखे हैं, ये भी सेम प्रॉब्लम है। इसके अंदर कोई भी चेंजेस लाना आपको नहीं है। ये भी मश्क 9.2 का फोर्थ प्रॉब्लम है। इससे पहले हम जितने भी प्रॉब्लम देख रहे थे यहाँ पर हमारे मसावा 3 दिए रहते थे, अभी यहाँ पर क्या हमारे पास 2 ही हैं, एक 4u² है प्लस 8u है यहाँ पर। अब यहाँ पर कैसा करना ये कन्फ्यूजन आपको नहीं करना। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसा इस तरह होता था हमारे पास 6x² प्लस 2x प्लस 1, तो इसे क्या करते थे हम ए लेते थे, इसे क्या करते थे बी लेते थे, इसे क्या करते थे हम सी लेते थे। अब यहाँ पर कैसा करना है ये थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर कसी रुकनी क्या है, सिर्फ 2 ही हमारे पास, 1 की पावर 2 है और 1 की पावर क्या है हमारे पास 1 है। अब इसे क्या करेंगे हमें इजीली हम आपको देखना है कैसा। अब 4u² है, अब प्लस 8u² है, तो पहले इसे क्या करेंगे मैं जैसा है इसे एज इट इज ऐड करते हुए जाएंगे, 4u² प्लस 8u = 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को ये करना है, पहले यहाँ पर हम लोग इससे पहले जितने भी अदद आ रहे थे यहाँ पर हम लोग को 3 आ रहा था, 4u² प्लस 8u आ गया और एक अदद हमारे पास रहता था। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हिस्सा दिया गया है, यहाँ पर 3 दिए, सिर्फ 2 दिए गए हैं, एक 4u² है एक प्लस 8u है, तो इसे क्या करेंगे पहले हम 4 का 4 कैसा है इसी तरह हमको ले लेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल है, इजीली मेथड हमको इसे सॉल्व करना है। अभी यू क्या है हमारे पास स्क्वायर में दिया है, तो यू को हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंगल ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये करना है सीधा आप ब्रैकेट कर दीजिए, ब्रैकेट करने के बाद में आपको यू स्क्वायर था तो यू को आप और एक बार रख दीजिए, u(u) = u² हो रहा। अब फिर हमको जैसा कि हम पिछले प्रॉब्लम में देख रहे थे यहाँ पर 4 लगा हुआ है, अब 4 लगे होने पर यहाँ पर तो ऑलरेडी प्लस होता है, तो ये प्लस क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो गया, ये प्लस और ये प्लस हो गया। अब ये 4 को ये देखना है कि 4 और ये 8, ये 4 का टेबल कहां तक पढ़ने पर आपको 8 मिलता है, तो 4 × 4 = 4, 2 = 8, ये होगा एकदम सिंपल। ठीक है, अब फिर यहाँ पर ए कैसा मालूम करेंगे, बी कैसा मालूम करेंगे, सी कैसा मालूम करेंगे, यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन होता है। तो पहले क्या करना है, यहाँ पर ए तो दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है और सी नहीं दिया है, सी नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, सी की जगह आपको 0 लेना है। अभी देखिए ए इज इक्वल टू कितना दिया है, 4 दिया है, और b कितना दिया है आपको 8 दिया है, और ये b कैसा आपको 8 कैसा कंफर्म होता बोले तो यहाँ पर u की पावर 2 है और u की पावर अगर 1 होती बोले तो यहाँ पर ये b आ जाता, अगर डायरेक्ट यहाँ पर अदद होगी बोले तो वो c में जाता, तो b क्या होता हमारे पास 0 होता। तो इसी तरह आप समझ रहे मेरे बात को, पहले a कितना लेना है हम को 4 है और b कितना हमारे पास 8, क्यों बोले तो b 8 कैसा हुआ बोले तो यहाँ पर u की पावर हमारे पास नहीं है, u की पावर a होता बोले तो यहाँ पर b होती, अगर हमारे पास सिंगल सिर्फ अदद होता बोले तो वो c होता और b के b इक्वल टू कितना होता हमारे पास 0 होता। तो इसी तरह यहाँ पर हमको ये हुआ, अगर c नहीं दिया गया है, यहाँ पर c नहीं दिया होता तो हमारे पास क्या होता c = 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसे लीजिए 4u = 0, 1 हो गया, फिर इसके बाद में u + 2 = 0, अभी इसे क्या करना है u ले लीजिए, अब ये 4 है, अब यहां से 4 को इधर से हटा दिया बोले तो ये क्या होता है 4 × 0 हो गया। फिर इसके बाद में u है यहां पर प्लस है बोले तो यहां पर इसका साइन 14 प्लस की जगह -2। ठीक है, अब u हो गया हमारे पास, अब 4 को अगर 0 से मल्टीपल करेंगे तो हमको 0 ही आएगा उसके अंदर। ठीक है, और u कितना होगा हमारे पास -2। अब इससे पहले क्या था हमारे पास x आ रहा था, यहाँ पर x की जगह क्या दिया हमने u दिया है, अभी क्या होगा हमारे पास एक
अल्फा इज इक्वल टू जीरो और बीटा इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, आइए अब फिर आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी क्या करेंगे, पहले में अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया और ए भी कंफर्म हो गया, बी भी कंफर्म हो गया, सी भी कंफर्म हो गया। अब क्या करना है, हासिल जरूर सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। अभी अल्फा कितना है हमारे पास, जीरो। बीटा कितना है हमारे पास, माइनस टू। माइनस टू इज इक्वल टू, और बी कितना है हमारे पास, यहां पर देखिए बी कितना है हमारे पास, एट है। माइनस यहां का माइनस आ गया तो ये एट हो गया। ए कितना है हमारे पास, यहां पर देखिए फोर है। ठीक है, अभी फिर जीरो का जीरो को प्लस माइनस, माइनस अभी टू का टू और फिर इजिकल टू का इजिकल टू, फिर ये फोर के टेबल से कट कर दिए, चार एक चार, चार दो आठ इजिकल टू माइनस दो। अभी बचा क्या हमारे पास, जीरो का माइनस टू इजिकल टू माइनस टू। वेरिएशन क्या हुआ हमारे पास, क्लियर है, माइनस टू इजिकल टू माइनस टू। अभी क्या करेंगे हम इसको, हासिल जरब करेंगे। हासिल जरब कैसा करना है हमको, अभी डायरेक्ट क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा आपको यहाँ पर राइट करना है, हासिल जरब हम सॉल्व करना है बोल के। अभी इजिकल टू क्या हो गया हमारे पास, सी डिवाइडेड बाय ए। अभी देखिए अल्फा कितना है, फिर उसी तरह देखिए अल्फा यहाँ पर दिया गया है, अल्फा कितना है जीरो है और बीटा कितना है हमारे पास, माइनस टू। और फिर आइए सी कितना दिया गया आपके पास, कहाँ पर सी देखिए, इधर देखिए सी कितना है, जीरो है। ए कितना है हमारे पास, फोर है। ठीक है, अब ये जीरो को आप जीरो कितनी भी आदत रहेंगे मल्टीपल करने पर आपको जीरो ही मिलेगा। अब फिर इसे भी चार से अगर मल्टीपल करेंगे तो आपको भी इसे जीरो मिलेगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये आपका आंसर है। ठीक है, दोनों वेरिएशंस आपको सेम आने चाहिए, सिर्फ आपको ये देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको, पहले एक तो आपको मसा दी गई मसाल दुरुस्त है कि नहीं ये देखना है। अगर दो होती बोले तो आप उसको ये पर ए होता या फिर बी, ये क्या होता, बी होता। एक बार मसाल इस तरह भी दिया होता है, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अभी इसके अंदर ए कितना है हमारे पास, टू है। बी कितना हो गया हमारे पास, जीरो। अब बी जीरो कैसा हुआ बोले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, अगर कोई एक्स होता या फिर जो भी होता या फिर एक्स होता बोले तो एक्स की पावर एक होती थी तो वो किस में आ जाता था, बी में आ जाता। अब कुछ भी नहीं है बोले तो यहाँ पर बी कितना होगा, जीरो होगा, तो सी कितना होगा हमारे पास, थ्री होगा। ठीक है, इस तरह करना है।